ऐसे कॉन्सेप्ट में है जो कॉन्सेप्ट लंबा चलने वाला है। स्टार्टिंग स्लो हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट लंबा चलेगा। दुनिया से बात करते हैं, दुनिया को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप से तो हमारे पास बात करने का टाइम ही नहीं। आप में से कोई अगर ऐसा बंदा है जो अपने आप से बात करता है या अपने आप को अपलिफ्ट करता है, अपलिफ्ट का मतलब अपनी, अपलिफ्ट का मतलब होगा कि अपने आप को अच्छा बोलता है, कोई भी बोलता सर पता नहीं क्यों, लेकिन आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हमें कुछ चीजें जो है सुबह उठ करके अपने से, सर मैं आपको बता दूं यहां पर आप जूम में आए ना तो सिर्फ बिजनेस करना नहीं सिखाऊंगा मैं, जिंदगी कैसे चलती है, क्योंकि 55 साल एज है तो धक्के खाए हैं सर। मैं ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं, नो, मैंने आपसे ज्यादा नुकसान खाए हैं, मैंने आपसे ज्यादा धक्के खाए हैं, मैंने आपसे ज्यादा लोगों की ना सुनी है, बस ये फर्क है। आप अभी यंग है, तो अकलमंद आदमी वो होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखे। अब मैं अगर कहूं कि सर यहां इस साइड मत जाना, इधर की सड़क खराब है, या आप कार पर या बाइक पर जा रहे हैं, तो मैं बोलूं कि सर इसकी सड़क इतनी खराब है कि आपकी बाइक डूब जाएगी, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको दूसरा रास्ता पकड़ लेना चाहिए या मुझसे ही पूछ लेना चाहिए कि सर मेरे को वहां जाना है इसके क्रॉस करके, लेकिन और कोई रास्ता क्या होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नहीं जी, मैं, आप कौन होते हैं कहने वाले, मैं तो जाऊंगा, जाओ, और जब बीच में रास्ते में जाकर के बाइक बंद हो जाएगी या कार बंद हो जाएगी फिर देखते फिरोगे इधर उधर। कड़वी बातें है ना, थोड़ी सी मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं हरियाणा का हूँ तो हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन हमारी लैंग्वेज ऐसी है। तो सर क्यों हम उस रास्ते पर क्यों जाएं, जब एक आदमी कह रहा है कि भैया इधर मत जाओ आपकी बाइक बंद हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इसमें कैसे करना है, आप करो, शाम को बैठो, सुबह बैठो, 2 मिनट बैठो यार, छोड़ो ना, नहीं होगा। मैं कहूं कि आधा घंटा बैठना, नहीं हो पाएगा। मैं पता क्या करता हूं, जरा सा टाइम मिलता मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं। आपने अगर पिक्चरें देखते हैं, मैं तो बहुत शौकीन हूं पिक्चरें देखते हैं, तो अनिल कपूर को देखो, एक किसी प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि वो मतलब कि दूसरे जो एक्टर है वो क्या बोल रहे हैं अनिल कपूर को, कहते सर ये तो सर खाली टाइम में अपने बालों में हाथ मारते रहते हैं और खुद ही खुद से बात करते हैं। अरे क्या ग्रेट, क्या बढ़िया लग रहा है। मैं भी ऐसे करता हूं, राजेश आज यार स्मार्ट लग रहे हो, क्या करो सर, आपको लग रहा होगा ये बेवकूफी वाली बातें हैं, नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 20 दिन का कोर्स किया था सर पैसे देके, ये उसमें सिखाई हुई बातें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया हमसे प्यार क्यों करेगी भैया, क्यों करेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमें अपने आप से प्यार करना है। अब बात किया करो, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, अरे आज तो बहुत बढ़िया काम किया, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूं, मेरे बात करने के स्टाइल में फर्क आ गया है, मैं दूसरों की सेवा करने में लग गया हूं। सर नेटवर्किंग सेवा का काम है, पता नहीं लोग बात क्यों बेवकूफ हो जैसी बात करते हैं, मेरा लेवल, मेरी इनकम, अरे भैया सेवा कर लो, अपनी टीम जो बनाई है, जो पार्टनर्स बनाए उनके घर पे पैसा पहुंचा दो, आपके घर पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं सर, उनको ये समझ ही नहीं है, लीडर्स बड़े बड़े हैं, 50-50 हजार की टीम वाले भी देखे हैं मैंने, लेकिन वो भी ऐसी ही बात करेंगे, मेरा लेवल ये हो गया मेरा, अरे तेरा लेवल नहीं हुआ भैया, आप अपनी टीम से प्यार करो, जब आप टीम से प्यार करोगे टीम आपको प्यार करेगी, तब आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन एक नेटवर्किंग ऐसा धंधा है
जिसमें आप जो है जब तक अपनी टीम को पैसा नहीं दिलवाओगे तब तक मैं ये क्यों कर रहा हूं? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? ये जूम मीटिंग मेरी है, कंपनी की नहीं है सर, और इसमें मेरे साथ मेरी टीम के अलावा भी लोग हैं। क्यों कर रहा हूं? भैया आपके घर पैसा पहुंचेगा तो मेरे घर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेसिकली तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी चलो ये बात यहीं खत्म करेंगे क्योंकि